और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीति जारी है। दिल्ली बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी किया है केजरीवाल के नाम से। यह नया पोस्टर जो बनाया गया है इसमें केजरीवाल को लुटेरा कहा गया है, जनता को इनसे सावधान रहने के लिए कहा गया है। ये देखिए ये पोस्टर है जो जारी किया गया दिल्ली बीजेपी के द्वारा और इसमें मनीष सिसोदिया की तस्वीर दरअसल लगाई गई है। मनीष सिसोदिया को बाइक पर सवार दिखाया गया है और लिखा गया है लुटेरा। लिकर स्कैम का इसमें जिक्र है, शराब घोटाले का इसमें जिक्र है और किसी फिल्म की तर्ज पर यह पोस्टर बनाया गया है और इसका डायरेक्टर अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है, यानी कि मनीष सिसोदिया किरदार हैं और पर्दे के। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीछे अरविंद केजरीवाल हैं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया। तो ये पोस्टर जो है जो जारी किया गया बीजेपी के द्वारा और इसमें साफ साफ लिखा भी गया है, इसमें लिखा है लिकर स्कैम मोशन पिक्चर्स प्रेजेंट्स महाठग सुकेश प्रोडक्शन लुटेरा डायरेक्टेड बाय अरविंद केजरीवाल। यानी एक साथ कई निशाने इस पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर साधे गए। सुकेश चंद्रशेखर का नाम भी लिखा गया और कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं ये लोग बना देते, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जो है पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। 4 दिसंबर को होने वाली वोटिंग के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां बीजेपी ने 250 उम्मीदवारों में से 232 का नाम फाइनल कर दिया है। वहीं सभी 250 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस बीच दोनों पार्टियों में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। एमसीडी के चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। दोनों ही पार्टियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। लेकिन इस बीच दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एमसीडी में कुल 250 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी ने अब तक 232 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में 9 पूर्व मेयर, 52 पूर्व पार्षद, 3 डॉक्टर, 4 जिला अध्यक्ष शामिल हैं, जबकि 18 उम्मीदवारों की लिस्ट आज देर शाम जारी हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सभी 250 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने 133 उम्मीदवारों की लिस्ट और शनिवार को 117 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। लेकिन इस बीच शनिवार को दिल्ली में एक और घोटाले की खबर सामने आई है। मामला दिल्ली जल बोर्ड का है, जहां 20 करोड़ रुपए के घोटाले और पैसों का गबन हुआ है। ये मामला 2019 से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि पानी के बिल के नाम पर पैसा लोगों से वसूला तो गया, लेकिन जल बोर्ड के खाते में जमा नहीं किया गया। यहां तक कि आरोपों के बावजूद उपभोक्ताओं से चेक और नकदी वसूल करने वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में चल रही बड़ी अनियमितता और आपराधिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। उपराज्यपाल ने सितंबर में मुख्य सचिव से जांच शुरू करने और FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। यानी आने वाले समय में बीजेपी एक और मामले में हुए घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला करने वाली है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।